भारत के बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं और अब तो कई लोग वहाँ के नागरिक भी बन रहे हैं, उसके बदले भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। ये बात सामने आई है गृह मंत्रालय के आंकड़ों से। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2001 में 1,63,000 से ज़्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और इनमें 78,000 से ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ले ली है। 23,500 से ज़्यादा लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की, 21,000 से ज़्यादा लोगों ने कनाडा की नागरिकता ली है, तो वहीं 300 लोगों ने चीन और 41 लोगों ने पाकिस्तान की भी नागरिकता ली है और इसका ब्यौरा संसद में पेश दस्तावेजों में दर्ज किया गया है। अगर इन पर नज़र डालें तो अपने देश की नागरिकता छोड़ लोग न सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया में बसते हैं बल्कि कई लोगों ने अंगोला, बांग्लादेश, बोत्सवाना, केन्या, जमैका और ईरान आदि की नागरिकता ले ली है और भारत की नागरिकता छोड़ दी है। ये तो हुई पिछले साल की बात, लेकिन देश की नागरिकता छोड़ने का सिलसिला पुराना है। साल 2015 या 2020 के बीच 8,00,000 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी है। हालांकि साल 2020 में इन आंकड़ों में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसके पीछे की वजह थी कोरोना महामारी। पिछले कुछ सालों में कामकाज बड़े स्तरों पर बंद था, इस वजह से साल 2020 में भारत के लोगों को शायद कम ही नागरिकता मिली। लेकिन आखिरकार ये भारतीय नागरिकता छोड़ क्यों रहे हैं, तो इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बड़े देशों में बेहतर सुविधाएं मिलती हैं और इसीलिए लोग वहां रहने का फैसला कर रहे हैं। हालांकि छोटे देशों को लोग व्यापार के लिए चुनते हैं, कई देशों में लोगों के परिवार वाले होते हैं, इसलिए भी लोग वहां जाकर के बस जाते हैं और वहीं की नागरिकता भी ले लेते हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि यात्रा में भारतीय पासपोर्ट को लेकर के दिक्कत होती रहती है। उनका कहना है कि अगर यूरोप के किसी देश में जाना हो तो वीज़ा को लेकर के समस्याएं आती रहती हैं। दरअसल भारत के पासपोर्ट पर आप बिना वीज़ा के कई देशों में जा सकते हैं, लेकिन दूसरे कई देशों की तुलना में ये काफ़ी कम है। पासपोर्ट ट्रैकिंग में भारत 199 की लिस्ट में 87वें नंबर पर है। कई जानकार ऐसा भी मानते हैं कि भारत में अगर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता तो हो सकता है कि नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में कमी आती, पर भारत में अब भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नियम अब तक ये है कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता चाहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। हालांकि विदेश में बसे और वहाँ की नागरिकता ले चुके भारतीयों के लिए एक खास तरह की सुविधा है और वो ये है कि OCI कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर 2006 में हैदराबाद में OCI कार्ड देने की घोषणा की। काफ़ी वक्त तक PIO और OCI कार्ड दोनों ही चलन में रहे, लेकिन साल 2015 में PIO का प्रावधान खत्म करके सरकार ने OCI कार्ड का चलन रखने की घोषणा की। OCI के जरिए भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन देन की सुविधा मिलती है। OCI का फायदा ये है कि इसके जरिए कोई भी शख्स जब चाहे बिना वीजा के भारत आ जा सकता है। साथ ही OCI कार्ड जीवन भर के लिए मान्य भी होता है। अब सवाल ये है कि आने वाले वक्त में भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता लेने वालों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। तो जानकारों की माने तो कोरोना महामारी के साथ और भी इस तरह की जब समस्याएँ आती हैं तो जाहिर है कि उसका प्रभाव पड़ता है और लोगों को रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। उनके सामने कठिन परिस्थिति आ जाती है, उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता। तो अगर इस तरह की परेशानियां आती रही हैं तो लोग ऐसा फैसला ले सकते हैं। अगर दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में भी लागू होता है तो कम चांस है कि लोग भारतीय नागरिकता छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।